मनाली अनंतपुर जिला बिलासपुर के कलर मोड़ के समीप अज्ञात वाहन ने लावारिश गाय को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नारायण सेवा समिति के बैनर तले युवाओं ने दरियादिली का परिचय देते हुए गंभीर रूप से घायल गाय को रेस्क्यू कर वाहन की सहायता से करीब 20 किलोमीटर दूर जिला पशुपालन हॉस्पिटल पहुँचाया। घायल गाय को डॉक्टरों ने प्राथमिकता उपचार देने के उपरांत एडमिट किया। युवाओं ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से आग्रह किया कि लावारिस गोवंश की सुरक्षा के प्रति शीघ्र सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इन युवाओं का कहना है कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लावारिस गोवंश के पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उनके सड़कों पर विचरण करने से दुर्घटना होने का अंदेशा सदैव बना रहता है। नारायण सेवा समिति प्रवक्ता बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो आज हम समस्त जनता को बताना चाहते हैं कि कल्लर पंचायत में किसी अज्ञात ट्रक वाले ने गौ माता को टक्कर लगा दी थी और मौके पे शाम से वो रोड से साइड में गिरी हुई थी। जैसे हमें इसके बारे में स्थानीय कल्लर पंचायत के युवाओं ने जानकारी दी और नारायण हम वहाँ मौके पे पहुँचे और मौके पे जाने के बाद जैसे हमने घायल अवस्था में गौ माता को देखा तो वो उसकी जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। जो ब्लड था वो बंद नहीं हो रहा था। हमने युवाओं ने कल्लर पंचायत के युवाओं ने पंचायत प्रधान को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी तो मौके पे तो वो पहुंचे नहीं थे। ये जो कभी डगमगाए ना, तो आज हम आपको बताते हैं एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए, मिलवाता हूं आपको प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट से जो आपको बारीकियां बताएंगे। वेलकम टू वन ज़बील। थैंक यू। तो जैसे कि आप देख रहे हो, वी वन ज़बील इज अ टू टावर प्रोजेक्ट। यस, ये प्रोजेक्ट इज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। इसमें दुनिया भर के टॉप इंजीनियर्स लोगों ने काम किया हुआ है। इस स्केल की चीज नहीं बनी हुई है। इट इज एक्चुअली अ इंजीनियरिंग मार्वल। आप बिल्कुल दुबई के प्राइम बिजनेस हब में बैठे हो। आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर लोकेशन। अनिल, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स और पेंट हाउस। ये प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसके चारों तरफ जो है वो बिल्कुल ही आपको ओपन व्यू मिलेगा, विच इज वेरी रेयर इन अ अर्बन सिटी। ठीक है, अर्बन सिटी में बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है टावर्स आसपास आपके, यहाँ आपको एक पूरा खुला व्यू है। दुबई की ये वो खास बिल्डिंग है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं।